झारखंड सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू एवं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा सिंचाई और कृषि सेवा IAS एक निजी के राहत प्रदान करने के लिए उपरोक्त संदर्भित प्रस्ताव के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट योजना की समय सीमा में बढ़ोतरी करते हुए झारखंड सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को अब और भी राहत दी है। अब कंज्यूमर्स 30 सितंबर 2023 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं DPS में 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि के एवज में राहत दी जाएगी। इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी देते हुए मधुपुर विद्युत आपूर्ति मंडल के कार्यपालक अभियंता रोहित मांझी ने कहा कि मीडिया चैनल के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को सूचित कर रहा हूं कि सरकार का जो सूद माफी योजना चल रहा था, जो अप्रैल से जून तक था, उसको सरकार ने और ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ छूट गए थे लोग उन तक ये लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है। तो इसका एक्सटेंशन जो है 30 सितंबर 2023 तक किया गया है। ये महीने कंप्लीट ये योजना चलेगा। तो इसके लिए हम लोग मीडिया चैनल के माध्यम से लोकल अनाउंसमेंट करके सारे तरीके से इसको हम लोग जो है लोगों तक जानकारी पहुँचा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली जो है हम लोग 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जगह पे कैंप लगाएंगे, ताकि लोगों को जो है ऑफिस तक नहीं आना पड़े, घर के आसपास में ही इस योजना का लाभ उठा पाएँ। तो इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो लोग लाभान्वित होंगे उसमें टैरिफ कैटेगरी DS1A, DS1B, DS2 और IAS एग्रीकल्चर कंज्यूमर इसमें लाभान्वित होंगे। कमर्शियल के लिए ये नहीं है। घरेलू विद्युत उपभोक्ता शहरी क्षेत्र, घरेलू विद्युत उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र और कृषि उपभोक्ता इसमें लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ इसमें और एक चीज़ कहना है कि ये जो सूद माफ़ी योजना है, इसमें जो दिसंबर 31 दिसंबर 2022 तक का जो बिल निकला है उसमें जो सूद दिख रहा है बिल में वो माफ़ होगा। बाकी जो एनर्जी चार्जेस हैं उस पे जो फिक्स चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हैं और पुराना एरियर है वो आपको देना है। उस पे जो सूद है, उस पे जो DPS है, वो आपको जो है छूट मिलेगी। तो ये 30 सितंबर तक ये योजना चलेगी। इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्युत उपभोक्ताओं को, जिनका भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, बिल बहुत सालों से नहीं दे पाए हैं, वो इस योजना का लाभ उठा लें। ये बार बार योजना नहीं आता है। वहीं विद्युत कार्यपालक अभियंता रोहित मांझी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।